मातृभूमि मेरी, पंडित सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देश प्रेम पर आधारित एक कविता है। इस कविता में कवि ने भारत भूमि की भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सांस्कृतिक महिमा का गुणगान किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहरा रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि भारत देश की भौगोलिक महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस देश में जहां एक ओर हिमालय के शिखर आकाश में ऊंचाइयों को छूते हैं, वहीं दूसरी ओर सागर इस पावन भूमि के पैर धोता प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि वह पुण्य आत्माओं की भूमि है जिसमें गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। यह मेरी मातृभूमि अन्न और खनिजों से भरी स्वर्ण भूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत देश की प्राकृतिक विभिन्नता की आभा को बखानते हुए कहते हैं कि इसमें कहीं तो गिरते झरनों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट से पहाड़ सुशोभित हैं, और कहीं मैदानों में आम के घने बागों में कोयल की कुहू कुहू गुंजायमान है। कवि कहते हैं, मेरी इस कर्म भूमि और धर्म भूमि में दक्षिण के मलय पर्वत से बहती हुई पवन मेरे तन मन को हर्षित कर देती है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं को उजागर करते हुए कहते हैं कि इसी मातृभूमि में भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म हुआ था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी की मधुर धुन और पवित्र गीता का संदेश सुनाया था। गौतम बुद्ध ने इसी धरती पर जन्म लिया और इस संसार को दया और ज्ञान का प्रकाश दिया, साथ ही पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। यह मेरी मातृभूमि ऐसी युद्ध भूमि है जहां धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए हैं।